आज है 31 मई और आज वर्ल्ड एंटी टबाको डे है। हमारे स्कूल यानी पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसन में भी ब्लॉक लेवल पे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है एंटी टबाको डे, जिसमें ब्लॉक के कुछ स्कूल भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन की वजह से और बसेस का सुविधा ना हो पाने के कारण आज कम ही स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं अभी सिर्फ एक ही स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलेंडी। यहाँ साइंस ब्लॉक में चल रहा है स्लोगन राइटिंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन। स्लोगन राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन के बाद अब बच्चे हॉल में इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल सर के द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से नशे से बचा जा सकता है। जी का स्वागत करता हूँ। इन्हीं के ही दिशा निर्देश में ये प्रतियोगिता करवाई गई है। जैसे मैंने कहा कि पार्टिसिपेशन इसलिए कम रहा है, इलेक्शन में बहुत सारे अध्यापकों को तैनात किया गया है और आने जाने की समस्या है, बसेस नहीं है, तो खैर चलो दो बाहर के स्कूल के आए हैं वो भी हमारे लिए बढ़िया बात है। तो इससे पहले कि मैं दो तीन बातें आगे कहूं, यहां पर ये जो आप लोगों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसका हमने अपने अनुसार करके किस कौन किसने अच्छा किया है, लेकिन इसको आप अंतिम न से ये मत समझिएगा कि हमने अगर आपको ये कहा कि ये स्कूल प्रथम ये द्वितीय, तो डॉट गोट हो सकता है जो तृतीय है वो शायद किसी दूसरे की नजर में प्रथम भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि तंबाकू जो है उसका हमारे शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना, तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं बीड़ी सिगरेट की। क्यों? क्योंकि घर से ही कई बार होता है, दादा ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, जा बेटा बीड़ी लेके आ जा, सिगरेट लेके आ जा। बच्चे जाते हैं बीड़ी का बंडल लेके आते हैं या सिगरेट का बंडल लेके आते हैं, फिर थोड़ा उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी थोड़ा पी के देखें, तो वो भी पीने की कोशिश करते हैं, या साथ में कई बार वो भी और प्लस बच्चे भी उन पर भी पीने का इफेक्ट पड़ता है, यानी वो पैसिव स्मोकिंग होती है, यानी ना तो बच्चे पी रहे हैं ना वो लेडी पी रही है, बट क्योंकि घर का मेल मेंबर पी रहा है तो वो इफेक्ट किसको कर रहा है, पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो भी इससे इफेक्ट हो रही है तो उसके होने वाले बच्चे को भी प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें और जो कोई स्मोक करता है तो प्यार प्यार से अपने घर में आप लोग बोल सकते हैं अपने पापा को दादा को जो स्मोकिंग करते हैं। एक होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, पर हम उस वार्निंग को देखते नहीं है ना, तो ये सब चीजों का मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ध्यान देंगे, और विशेषकर जो बेटियां हैं अगर अपने पापा को कहेंगी तो पापा जरूर आपकी बात सुनेंगे। अगर जो कोई इस तरह से चेन स्मोकर हैं, ज्यादा टोबैको ले रहे हैं, तो उसको आप लोग रोक सकते हैं। है जेबीएल के कुमार सेन। आस्थानी है आगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा। बढ़िया स्लोगन था, अगर ये सही होता तो शायद प्रथम भी आता। इसमें लिखा है If we lose the battle against tobacco, we will lose the battle against war, cancer. सेंटेंस बना ही नहीं है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, यू कैन करेक्ट इट, क्योंकि स्लोगन जा रहा है तो ठीक जाना चाहिए।
तो द्वितीय स्थान मेलंडी को, पोस्टर मेकिंग में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा। किताबी होती है कुछ बातें जब किताबों से निकलकर जिंदगी में आती है तो उसका अनुभव कुछ और होता है, और जब वो अनुभव साझा किया जाता है उसके मायने और भी बदल जाते हैं, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही हमारा प्रयास है। मैंने किसी रोज में सत्यमेव जयते देख रहा था, उसमें इसमें एक उस आदमी का इंटरव्यू है एस के सिन्हा, जो दुनिया में फेमस राइटर है, एक समय बहुत प्रसिद्ध वो राइटर थे, दुनिया के मशहूर अखबार के लिए स्पेशल कॉलम वो लिखते थे, लेकिन और स्कूल में मेधावी छात्र थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अल्कोहलिक हो गए, और अल्कोहलिक इतने हुए कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आदमी जब नशा करता है वो कितना नीचे गिर जाता है। वो स्वयं अपनी कहानी कहता है, ये अपनी किडनी बेचने को तैयार हो गया शराब के लिए, और अपने एक और शराबी दोस्त के साथ इसने ये सोचा रिहैबिलिटेशन केंद्र में भी कि अब हम लाल किले पे जाके पिएंगे, लेकिन उसके बाद उस स्तर पर पहुंचने के बाद अपने आप को रिफॉर्म इन्होंने किया। कैसे रिफॉर्म किया वो अब मैं आप लोगों के और इसके बीच में नहीं हूं, अब आप इस डायरेक्ट इस एपिसोड को देखें। उसके बाद बच्चों को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया किस तरह से जो फेमस राइटर है जैसे एस के सिन्हा, जावेद अख्तर, किस तरह से उनका जो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड था उस वक्त उन्हें नशे की आदत लग गई और किस तरह से उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया। ये सेशन काफ़ी इफेक्टफुल रहा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज जो एंटी टबाकू डे पे बच्चों को जागरूक किया गया है किस तरह से नशे से दूर रहा जा किस तरह से नशे से दूर रहा जाए, और अवश्य ही बच्चों ने उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।